આમોદમાં સતત 26 વર્ષથી વેળાઈ માતા મંદિરે ચૈત્રી નવરાત્રીમાં નવચંદી યજ્ઞ યોજાશે. કાશીના વિદ્યાન પંડિત દ્વારા વેદોના મંત્રોચ્ચાર નવચંદી યજ્ઞ યોજશે. ચૈત્ર સુદ આઠમના દિવસે શ્રીફળ હોમશે તથા રાત્રે માતાજીનો લીલો માંડવો થશે. માતાજીના મંદિરે વર્ષોથી યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કોરોના કાળમાં 2 વર્ષથી ધાર્મિક કાર્યક્રમ બંધ હતા ત્યારે આ વર્ષે ફરીથી નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવતા આમોદની ધર્મપ્રેમી જનતામાં આનંદ છવાયો છે. આગામી ચૈત્રી નવરાત્રી કાશીના વિદ્યાન પંડિત દ્વારા વેદોના મંત્રોચ્ચાર સાથે માતાજીની આરાધના શરૂ કરવામાં આવી છે. ચૈત્ર સુદ આઠમના દિવસે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થશે અને સાંજે 5 કલાકે શ્રીફળ હોમવામાં આવશે. તેમજ સાંજે 5:30 કલાકે મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને રાત્રે 10 કલાકે માતાજીના લીલા માંડવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાશીના પંડિત દિનકરજી શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આમોદમાં છેલ્લા 26 વર્ષથી ચૈત્રી નવરાત્રિમાં શ્રી વેળાઈ માતાના મંદિરે બાબુભાઈ માછી દ્વારા વિવિધ યજ્ઞોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. मैं काशी से आया हूँ और यहाँ पे प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है और यहाँ के जो हमारे बाबू भाई माझी जी हैं और माता शोभा बेन जी हैं, ये आज लगातार 26 वर्षों से यह कार्यक्रम करा रहे हैं और हर साल हमारे काशी से ब्राह्मण आते हैं और कभी नव दुर्गा पाठ, कभी सत्यमी पाठ, इस तरह से अनेक बार ऐसे होते रहते हैं और यह 26वां साल यह कार्यक्रम हो रहा है और इस माता के मंदिर में इतना बढ़िया भव्य आयोजन होता है और प्रत्येक वर्ष चैत्र के नवरात्र में यह कार्यक्रम होता है और एक विशाल भंडारा भी होता है. और मैं तो बाबू भाई माझी की तरफ से मैं कहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे हैं सब भक्त लोग आवें और भंडारे का प्रसाद लें और इसी तरह का निरंतर वह सेवा करते रहें, क्योंकि कलो चंडी विनायक कलयुग में माता दुर्गा बहुत प्रसिद्ध हैं और कलयुग में माता दुर्गा विशेष कृपया ये भक्तों को वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, इसीलिए कलयुग में यह माता बहुत प्रसिद्ध हैं और कलयुग में यह देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं, क्योंकि रोग शोक ताप संताप सब नष्ट हो जाता है ये सत्चंडी कराने से और बहुत सारे पूर्वजन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं इस माता का अनुष्ठान कराने से, क्योंकि ये हम लोग ही नहीं देवता लोग भी ऐसा आयोजन किए हैं. भगवान भी माता की आराधना किया है, भगवान कृष्ण ने स्वयं माता की आराधना किया है और ऐसा लिखा है कि शास्त्र में कि भगवान राम स्वयं माता का आराधना किए 9 दिन और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त किया रावण को मार करके. तो ऐसी ये माता का बहुत बड़ी लीला है और माँ भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है. काशी से आते हैं ब्राह्मण लोग और सभी ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं यहाँ पे आकर के. गुजरात में आने का ऐसा मौका मिलता है काशी के ब्राह्मणों को, तो हर साल नवरात्र में काशी से ब्राह्मण आते हैं और ये माता वेराई माता मंदिर में हम सब लोग रहते हैं और इनका 9 दिन तक साधना करते हैं, आराधना करते हैं और हम लोग आशीर्वाद लेकर के काशी जाते हैं. जय माता दी.